देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग और मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए खेती के नए तरीकों एवं तकनीक को अपनाना बहुत जरूरी हो गया। ऐसे ही एक विकल्प के रूप में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या ग्रीन हाउस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई। ग्रीन हाउस की मदद से विभिन्न वैरायटी की सब्जियां, फल और फूलों का उत्पादन बेमौसम में किया जा सकता है, जिससे इसका बाजार भाव भी ज्यादा मिलता है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। इसके साथ साथ पौधों पर कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप भी काफी हद तक कम हो जाता है। इस तरह के ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस में उत्पादित सब्जियों एवं फलों पर कीटनाशक का प्रयोग भी कम होता है। क्षेत्र विशेष की जलवायु को ध्यान में रखते हुए भारतीय अनुसंधान परिषद से वित्तीय सहायता द्वारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वर्ष 2005-2006 में प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर पर एक परियोजना आरंभ की, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस, नर्सरी एवं हर्बल पार्क बनाए गए और इस क्षेत्र के लिए उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों पर शोध कार्य शुरू किया। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी के हॉर्टिकल्चर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने बताया, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाईटेक हॉर्टिकल्चर स्थापित करना था। इस योजना के तहत हमारे इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे ग्रीन हाउसेज और दूसरी हाईटेक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें खासकर हमने हर्बल गार्डन तैयार किया और दो तरह के पॉली हाउसेज, जिसमें एक फुल्ली कंट्रोल्ड और एक नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेज तैयार किए गए। और जो मुख्य उद्देश्य इस परियोजना का ये था कि इसमें कैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर से जो जितनी भी संबंधित तकनीक है उनकी उनको विकसित किया जाए इस एरिया के लिए। तो इसमें हमने बहुत सारी पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। खासकर हमने बहुत सारी जो हैं तकनीकें विकसित की हैं, जिसमें ग्रीन हाउस में कैसे सब्जियों की खेती करनी है, खासकर टमाटर की, खीरे की, चेरी टमाटर की और फूल वाले पौधों की। हमने यहाँ पे दो तरह के ग्रीन हाउसेज लगाए, एक जिसमें जो है फुली कंट्रोल्ड यूनिट है, इसमें ये फैन पैड टाइप का सिस्टम है और इसमें एक जो है पावर जो बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो उस दृष्टि से हमने दूसरा देखा कि जो जीरो एनर्जी वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेज हैं, जिनमें बिजली की ज़रूरत की नहीं पड़ती और उसमें अपने आप ही जो है वातावरण ठीक रखा जा सकता है, उस तरह के ग्रीन हाउसेज हमारे यहाँ राजस्थान के हिसाब से अच्छे पाए गए हैं। और उसमें जो कीमत है शुरू में लागत भी 700-800 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है और इसमें किसान भाइयों को नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत काफ़ी 75% तक अनुदान भी प्राप्त हो रहा है। इस ग्रीन हाउस में साल भर खीरा पैदा कर सकते हैं और एक 700 स्क्वायर मीटर एरिया में 3 फसलें आप साल में ले सकते हैं और एक फसल से जो शुद्ध मुनाफा है तकरीबन 70,000 रुपये पर 700 स्क्वायर मीटर से एरिया से आपके मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों को भी हमने पिछले 4-5 साल में तकरीबन 20 कोर्सेज हमने वहाँ कराए हैं और हमारे इन इसके बदौलत कुछ किसान भाइयों ने अपने यहाँ इस टाइप के ग्रीन हाउसेज लगा लिए हैं। ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की पौध यानी नर्सरी तैयार की जाती है। इसके बारे में हॉर्टिकल्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमेटी बताते हैं, ये खाली प्लॉट रहे, इसमें अपन टमाटर की नर्सरी तैयार करेंगे। ये जो प्लॉट रहे, इसका इस्तेमाल करने से पहले अपनों को इसको एक बार बहुत अच्छी तरह से उपचारित करना है। या तो इसको अपन 5-7 घंटे धूप में सुखा दें और या फिर इसको फार्मेलिन के सॉल्यूशन से भी ट्रीट करके इसको उपचारित करना है। उसके बाद इस प्रो ट्रे में अपने को मिक्सचर डालना है, मीडिया, जिसमें अपने को 3 चीज़ें होती है। एक ये है कोकोपीत, कोकोपीत ये नारियल का एक तरह से बुरादा है जो बाइंडिंग का काम करता है। अगर ये अपन कोकोपीत नहीं डालेंगे और जब पौधे को निकालेंगे अपन तो उसकी जड़ें बिखर जाएगी और वो पौधा चल नहीं पाएगा। दूसरा इसमें कंपोनेंट रहता है वर्मिकुलाइट, 2:1 एक्सपांडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल होता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अगर ये अपन मीडिया मिला देते हैं तो उसको रोजाना पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में एक बार पिलाएंगे तो भी चलेगा। तीसरा मिक्सचर डालते हैं अपन परलाइट, ये एक क्ले मिनरल है और ये उस जड़ों में वायु संचार और तापमान के नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन तीनों को
1:1 में अपने को मिक्सचर करना है और उसमें पानी मिलाना है अपने को। पानी मिलाते वक्त अपने को ये ध्यान रखना है कि पानी इतना नहीं मिलाना है कि अपन इसको बांध नहीं पाएं, यही क्राइटेरिया होता है। और अगर अपन ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो भी नहीं बंधेगा और कम पानी मिलाएंगे तो भी ये नहीं बंधेगा। ये इस तरह से इसको मिक्स करते वक्त अपने को ध्यान रखना है कि पूरी तरह से ये आपस में तीनों मिक्सचर मिक्स हो जाने चाहिए। अगर मिक्स नहीं होंगे तो वहाँ पर पौधे की वृद्धि भी अपने को अलग अलग दिख सकती है और ढंग से वो जो नर्सरी अपन तैयार करना चाहते हैं वो नर्सरी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगी। ये जो मिक्सचर तैयार हो चुका है उसको अपनों को एक बार इस पूरी ट्रे में भरना है इस तरह से। ये इस तरह से अपने पूरी ट्रे को एक बार भर दिया है। उसके बाद अपन इसमें ये अपना अंगुली का पहला पोर होता है इतना इसमें इस तरह से छेद कर देते हैं और एक एक बीज एक एक केविटी में डालना है अपने। बिजाई करने के लगभग 10 से 12 दिन बाद पौधे इस तरह से अंकुरित होने लग जाते हैं और उसके बाद अपन इसमें जो फर्टिगेशन करते हैं चारे में 1% NPK मिला के उसको अपन ड्रेंज कर देते हैं, क्योंकि अपन ने जो मिक्सचर मिलाया था उसमें हकीकत में पोषक तत्व कुछ भी नहीं थे। और जैसे ही इसकी जब जड़ें आने लगी है तब पौधे को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए अपने को 1% 19 19 19 का मिक्सचर करके फिर इसमें अपने को पानी मिलाना है। इस तरह से ये जो पौधे हैं लगभग अगले 10 दिन में ये पौधे खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो पौधे हैं ये अभी अपने पास खेत में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार सीडलिंग हो चुकी है। इसको 25 दिन पहले हमने बिजाई की थी और आज ये पौधे तैयार हैं। हमने अभी इस पर NPK का स्प्रे किया है और 2 दिन बाद हम इसको खेत में लगाने के लिए ये तैयार हैं, खेत में लगाएंगे हम इसको। इसको खेत में लगाने से पहले अपने को इस तरह से बॉल को निकालना है तना पकड़ के, ताकि ये बॉल बिखरे नहीं। और अपन देख रहे हैं इसके चारों तरफ से ये जड़ें पूरी गूंथी हुई है। ये जो अपन ने उसमें कोकोपीथ डाला था इस कारण से ये बॉल अभी तक बंधा हुआ है। अगर इसमें कोकोपीथ नहीं डालते तो ये बिखर जाता और ये पौधा नहीं चल पाता। अच्छा, टमाटर में तो और भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर ये बिखर जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों की जैसे खीरा की, लौकी की, करेला की, इनकी अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वो उसमें जड़ें बिखरने का मतलब पौधा मर जाता है। और टमाटर में भी आखिर शौक तो लगता है उसको, तो वो उतना अच्छा नहीं चल पाता है जितना कि ये अच्छा चल पाएगा उसमें। नर्सरी में तैयार पौध को पॉली हाउस में प्लांटिंग बेड पर उचित दूरी पर लगाया जाता है। इसमें खीरा की दूरी 45x30 सेंटीमीटर, टमाटर मिर्च में 45x45 सेंटीमीटर, शिमला मिर्च में 45x60 सेंटीमीटर रखी जाती है। पॉलीहाउस में पौध लगाने के तुरंत बाद 30 से 45 मिनट बूंद बूंद पद्धति द्वारा सिंचाई करते हैं। प्लांटिंग बेड में पौध लगाने से पहले प्लांटिंग बेड से पुरानी फसल के अवशेष अच्छी तरह हटाकर गहरी खुदाई की जाती है। बेड का उपचार एक अति आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि मृदा का उपचार होने पर मृदा में उपस्थित मृदोड़ रोग के कारक एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। मृदा उपचार के लिए पेट्री डिश में 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट लेकर प्रति 5 वर्ग मीटर पर एक पेट्री डिश रखकर उसमें 8 से 10 मिलीलीटर फार्मेल्डिहाइड डालना चाहिए। फार्मेल्डिहाइड से क्रिया करने पर पोटेशियम परमैंगनेट से तीव्र गैस निकलती है, इसलिए तुरंत पूरी बेड को पॉलीथीन से ढककर उसे 24 से 30 घंटे तक रख देते हैं। अगले दिन पॉलीथीन हटाकर बेड को समतल करके 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट मिला दिया जाता है। मैं खासकर कृषि अनुसंधान परिषद का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारा वित्तीय सहायता प्रदान की और इसके तहत हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी तकनीकें निकाली हैं, खासकर इसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, चाहे वो कुकम्बर की हो, चाहे वो टमाटर की हो, चाहे वो खीरा की, चाहे वो जरबेरा की, तो इन तकनीकों को हम आगे किसानों तक पहुँचा रहे हैं और भविष्य में बहुत सारा एरिया प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन के अंतर्गत होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।